शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आँख खुलते ही किसकी शक्ल देख ली, आज तो खाना नसीब नहीं होगा मंगल भैया। अरे चुटको, क्या है? किसी महाराज से बोल कि 200 अंडे, 200 पराठे, 30 मुर्गे और 40 बकरे तैयार करें। कुंभकर्ण जी उठे हैं, नाश्ता करेंगे। ए चाचा, समझा दे अपनी सड़ी हुई बेटी को, किसी दिन सवेरे सवेरे उल्टी हाथ का झापड़ पड़ जाएगा तो भरी जवानी में पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर निकल आएगी। कितने प्यार से ऊपर बैठ के गन्ना चूस रही है। ले जाओ तक, बच्ची कहेगी। हाय, मैं बच्ची हूँ? तू बच्चा है, तेरा बाप बच्चा है, तेरा पूरा खानदान बच्चा है, तेरा नाना बच्चा है, तेरा दादा बच्चा है, मुझे बच्ची कहता है भैंगड़ा? तू कभी जिंदगी में हंसा है क्या? बहुत लाड़ में आ रही है रे। हंसाता है क्या? अबे चल, अरे चल चल, अरे अरे बस बेटा बस। तू भी क्या सुबह सुबह उसको मुंह लगता है? मुझे तो चिंता इस बात की है कि शादी के बाद तुम दोनों की आपस में शादी शादी इस गोचरा से नहीं बाबा, नहीं, तू ही शादी कर लेना, तभी नहीं वो हसीना से करो शादी। अरे शादी तो मैं करूंगा तेरी उस अंगूठा आराम से। अरे मंगल बेटा, तू उसकी बात छोड़, मेरी बात सुन। शहर जाकर बीज ले आ, कल जब राधा खाद बनाएगी ना तो तेरे बीज भी डाल देगी। इस साल हमारे गांव में बारिश बहुत अच्छी हुई है, भगवान ने चाहा तो फसल और भी अच्छी होगी। हाँ चाहता हूँ। ए छुटके पकड़। ए गोचुराम, ठीक से सुना ना, बीज लेकर आना। हनुमान जी जैसे पहाड़ उठाकर लाए थे वैसे बनिया की दुकान उठाकर मत लाना। तू चुपचाप जाके अपना काम कर, नहीं तो बेकार में पिट जाएगी, चल जा। अरे मंगल भैया, मिलावट राम के पास जो बीज मिलता है वो कहीं बनता ही नहीं, समझे कि नहीं? अबे वो कैसे के बच्चे, मंगल भैया को एकदम असली बीज दे दे। लाला मिलावट राम, अगर मंगल के साथ में जरा भी मिलावट की ना तो मंगल तुझे मिलावट के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। आई बात समझ में? ए बच्चे, ये ले, संभाल इस मुसीबत को जो चाचा ने मेरे सर पे डाली थी। फेंकता क्या है, हाथ में नहीं दे सकता? अरे अपने लिए लाया है, मुझ पर एहसान करा है क्या? हाँ कर रहा हूँ। लो, जिंदगी में पहली बार सही काम किया। चंपा शालू, देखो तो मंगल महाराज बीज लाए हैं। तुम कब सुधरोगे? जिंदगी में कभी सही काम करोगे या नहीं? तुम बीज लाए हो या बनिया को भेजा? ज्यादा उछल कूद की ना तो मैं तेरी कलाई तोड़ दूंगा, समझे? बड़ा आया कलाई तोड़ने वाला, अगर कलाई तोड़नी है तो उस बनिया की तोड़, जिसने तुझे नकली बीज दिया है। मंगल भैया आओ 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 आओ। लाला, लगता है तेरी माँ को यह जरूर पता था कि तेरे खून में मिलावट है, इसीलिए उसने तेरा नाम मिलावट राम रखा है। मिलावट करना तो मेरा धर्म है मंगल भैया। अगर कुत्ते, तूने मंगल के साथ में मिलावट करने की हिम्मत कैसे की? ए? नकली बीज? मंगल भैया, ये मेरे सारे के सारे आदमी निकम्मे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि किसको क्या चीज देनी चाहिए। लेकिन मंगल भैया तुम फिकर मत करो। अरे रामू सामू कालू धन्ना, अरे कहाँ मर गए? अरे यहाँ यहाँ भैया। भैया, अरे ये अपने मंगल भैया को ये भी नहीं मालूम है कि सबसे अच्छी खाद इंसानी हड्डी की होती है। मार,
आगे। ललोट छुप कर क्या भोगता है हा? चल बाहर निकल कर भोग। ए देवा देवा भोले भोले मेरी रक्षा करना। क्यों लाला आज आगे पीछे बहुत दुम हिला रहे हो? लगता है किसी किसान की जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा कर आ रहे हैं। अरे अंगूठा होता तो कोई बात नहीं थी। अरे उसने तो मेरे मुंह पर घुसों की बरसात कर दी, घुसों की बारिश कर दी। अरे अरे ठाकुर साहब मैं मर गया, मर गया। अब मैं जीऊंगा नहीं। हड्डियों का भुक्का हो गया, खून पानी हो गया। मंगल कमीने ने मुझे बहुत पीटा। मेरी मत मारी थी कि मैंने उसे मिलावट वाले बीज दे दिए। क्या दे दिया तूने? तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं सारे गांव को खाली कराना चाहता हूँ और तू साले बीज देकर उन लोगों की ताकत बना रहा है। मुझे लल्ला को शहर इसलिए भेजना है ताकि वो आर्किटेक्ट बनकर आए और मेरा सपना पूरा कर सके, और तू साले बीज दे रहा है। खामो देड़ दूंगा। उस 2% के छोकरे की बात सुनकर अब मुझको खामोश रहने को कह रहे? अगर हम खामोश रह गए ना तो मंगल की आवाज के साथ साथ कल पूरा गांव चीख उठेगा और उस चीख के बीच आपका सपना और मेरी वर्दी दबके रह जाएगी। ठाकुर साहब समझते क्यों नहीं? अगर छोटे से गांव में कत्ल हो जाए ना तो सारे गांव की नींद हराम हो जाती है। आपने मोनी बाबा को मार डाला, माधव को गायब करा दिया, आखिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। ठाकुर साहब अकलमंद लोग सही वक्त आने पर ही वार करते हैं। क्या हुआ रे छुपके, रो क्यों रहा? ए, बताएगा भी या रोता ही जाएगा? अरे चपड़ गंजू, ये नकली बिच्छू है, बेकार में डर रहा है। चल जा, जाके खेल, भाग यहां से। बिच्छू रोज सवेरे बहुत तंग करती है, कुंभकरण बोलती है, आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। कुंभकरण जी उठे हैं, नाश्ता करेंगे, 200 पराठे 200 अंडे, अभी आ रहा होगा मजा है। अरे रोती क्या है, चुप। ये देख, ये देख, नकली बिच्छू से इतना डर गई,